ये रिश्ता क्या कहलाता है। क्या छुपा रही हो आरोही? अभिमन्यु ने तुम्हारे लिए रिसेप्शन की पार्टी रखी, ये तो समझ आता है, लेकिन फिर अपनी फेवरेट बाइक भी दे दी, तुम्हारे बड़े पापा से तुम्हें माफी भी दिलवा दी, अक्षर और अभिमन्यु तुम्हारे लिए डांस परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं। ऐसा कौन सा जहर लग गया तुम्हारे हाथ जिसका कोई एंटीडोट ही नहीं है? क्या राज छुपा रही हो जिससे तुम अभिमन्यु से अपनी विशलिस्ट पूरी करवा रही हो? ताई जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट मैं तो खुद सरप्राइज्ड हूँ ये सब देखकर। मे बी ये अभिमन्यु की अच्छाई है, उसका बड़प्पन है। नहीं, बकवास बंद करो, जस्ट शट अप। मैं अभिमन्यु को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और तुम्हें भी। सालों लगा दिए मैंने बिरला हॉस्पिटल में डेडिकेटेडली काम करने के लिए, मुझे तो मेडिकल डायरेक्टर की जगह नहीं मिली, तुम्हें हर चीज ट्रे पे सजा के पेश की जा रही है। रियली सीरियसली व्हाई? क्या बोलूं ताई जी, अपना टाइम आ गया शायद। स्मार्ट बनो, ओवर स्मार्ट नहीं, और मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये याद रखना कि इस घर में तुम मेरी वजह से हो। Got it? Of course, ताई जी। Excuse me. अभी का फोन तो टूट गया, लेकिन आरोही का फोन तो है। शिवू, क्या हुआ? क्या हुआ? नाराज है मुझसे, गुस्सा है। मैं क्या करूं यार, तेरी अक्षु चाची भी नाराज है मुझसे, लेकिन मैं क्या करूं, मैं जो कर रहा हूं सिर्फ उसी के लिए कर रहा हूं। अगर उसे उसकी मेडिकल सिचुएशन के बारे में पता चल गई तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, उससे बेटर यही है। उसके अच्छे के लिए अगर मुझे बुरा पड़ना पड़े तो चलेगा मुझे, और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। इट्स ओके। और कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या हूँ। शिवो, सर्दी हुई है शिवो को? हाँ थोड़ा। हाँ बाबू को सर्दी हुई है, सर्दी हुई है, कोई बात नहीं, दवाई दवाई टाइम। हाँ शिफाली को लगता है कि सब सिर्फ उसे पता है, पर अगर शिफाली आपकी मम्मा है ना तो मैं आपका पापा हूँ। अब तो मुझे पूरा यकीन है कि जब अक्षु माँ बनेगी ना तो बहुत अच्छी माँ बनेगी। अभी हमारा बीपी भी बहुत क्यूट होगा। अक्षरा के लिए माँ बनना बहुत मुश्किल है, और आपको पता है पापा बनना बहुत डिफिकल्ट काम है। आपके आने से पहले मैंने आपके आने की तैयारी करना सीख ली थी, आपको कैसे उठाना है, कैसे सुलाना है, डायपर कैसे चेंज करना है, और आपकी भोप कैसे निकालनी है। आकर, आकर? तबीयत आपकी खराब होती है और जान पापा की जाती है, फिर मम्मा के सामने किसी को पापा दिखाई नहीं देते, पर पापा जानते हैं कि पापा बनना कितना स्पेशल होता है। शिफाली करेक्ट बोलती है अभिमन्यु, तू अच्छा पापा बनेगा, पापा बनने के अलग स्टैंडर्ड सेट करेगा तू, देखना कितना आसानी से शांति से तेरी गोद में सो गया, वरना जब तक मेरी ऐसी की तैसी ना कर देना ये सोता नहीं है मेरी गोद में। थोड़ी देर ख्याल रख लेगा, मैं नानी को भेजता हूँ। हाँ हाँ, फिर तू आराम कर लेना। थैंक यू। अक्षु अगर माँ नहीं बनेगी तो मैं भी कभी पापा नहीं बनूंगा। पापा बनने की फीलिंग कितनी स्पेशल होती है मुझे कभी पता ही नहीं, पहले कभी सोचा नहीं, लेकिन आज सोचना तो बहुत अजीब लग, मुझे इतना अजीब लग रहा था अक्षु को कितना बुरा लगेगा, अक्षु को नहीं बता सकता। मुझे इतना बुरा लग रहा है, अभी तो इस सब से डील कर रहा है, पता नहीं उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी। भाभी,
आपको थैंक यू बोलना था। और आप भी भाई की तरह ढोल लेकर आई हैं, तो आई होप आपने उनकी तरह मुझे और आरोही को दिल से एक्सेप्ट कर लिया है। भाभी प्लीज बोलिए ना, आपने दिल से एक्सेप्ट कर लिया है ना हमें? नील छोड़ो ना, ये सब फंक्शन है, तुम्हारा फंक्शन है, तो एंजॉय करो प्लीज। अक्षरा चलो डांस करते हैं। इसी समझदारी की उम्मीद थी। यक्षु ने यूटर्न कैसे ले लिया? इतना अच्छा क्यों बिहेव कर रही है मेरे साथ? कोई प्लान वैन तो नहीं है इसका?